गिरिडीह जिले में दो दिनों तक चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला। तूफान के असर से हुई बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया, खास करके बेल वाली फसलें जैसे कद्दू, करेला, भिंडी आदि की फसलें बर्बाद हो गई। दो दिनों तक बारिश के कारण किसान अपनी उपज को बेचने के लिए बाजार भी नहीं जा सके, जिससे काफी सब्जियां फेंकनी पड़ गई। किसानों ने बताया कि वो दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले तो उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, बची खुची कसर दो दिनों की बारिश ने पूरी कर दी। परेशानी यह है, हम लोग करेले की खेती ज्यादा किए थे, एक एकड़ जमीन में करेले लगाए थे, सो करेले माने तीन दिन से जो तूफान जो आए है सब फर फूर सब झाड़ दिया, और किसान क्रेडिट से कुछ पैसा लोन लिए थे, हम लोन भी कहाँ चुकाएंगे, और मंडी भी ले जाते हैं तो मंडी में करेले बिकता नहीं है, हम लोग क्या करें। क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से कुछ मुआवजा हम लोग मिल जाता था, कुछ हो जाता। क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रसाद वर्मा। सब्जी जो है सो लॉकडाउन और पानी दोनों कारण से बिक नहीं रहा है, मंडी ले जाते हैं वहाँ बिकता नहीं, परेशानी होता, फिर ला के घर में फेंक देते हैं तोड़ के, मजदूरी लगता है, यही सब दिक्कत है, बिक नहीं रहा सब्जी। कितना करेली आपका बर्बाद हो गया? करेली लगभग 10 क्विंटल करेली बर्बाद हो गया। और कौन कौन फसल प्रभावित हुआ? झींगा है, टमाटर है, मेरा 20 क्विंटल लगभग पूरा सड़ गया मौसम के कारण से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामदेव वर्मा। मुख्य रूप से लत्तेदार फसल जितना है सबको, सारा का फूल फल को तोड़ के खत्म कर दिया, मतलब तूफान पानी से दाग हो गया है, जिसके कारण बिक नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग को भी मन नहीं लगने लगा है खेती करने में। एक तो पहले से ही लॉकडाउन का जो कर्जदार था, कर्ज था हम लोगों के ऊपर ही ज़्यादा था, किसान के ऊपर ही, उसके बावजूद भी ये यास तूफान चक्रवात जो भी है इसके आने के बावजूद सब खत्म कर दिया। जो फल फूल थोड़ा बहुत बिकने स्टार्ट हुआ था ये बारिश खत्म कर दिया। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने सरकार से किसानों की क्षति का भुगतान करने का आग्रह किया है। फसल का नुकसान होना, तीसरी तरफ यह तूफान ने किसानों का कमर तोड़ दिया है। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र आपदा प्रबंधन के तहत किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रयास करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।